नमस्कार। सब जानते हैं कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे विश्व में? इंग्लिश। ठीक है, फिर दूसरी भाषा कौन सी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? चलिए मैं बताता हूँ, दूसरी भाषा है मैंड्रिन लैंग्वेज, मैंड्रिन भाषा, जो कि चाइना में बोली जाती है। फिर तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। लगभग 135 करोड़ लोग जो है पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा बोलते हैं, लगभग 125 करोड़ के आसपास मैंड्रिन लैंग्वेज बोलते हैं, और 75 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है हिंदी बोलते हैं। इसके बाद में फिर बाकी लैंग्वेजेस आती है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं। अब ये जैसे कि हमारा इधर इतना कल्चर चलता है इंग्लिश को करके, या इतना इंग्लिश को करके हम इतने ज़्यादा इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज को इतने प्रभावित हैं हम, कि अब जैसे मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ, लेकिन हम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जैसे कि मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जबकि बोलना तो मुझे भाषा चाहिए। अब उसकी वजह मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, या आप कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। उसकी वजह यह है, हम एक लंबे समय से जो है हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज रहा। अब जिसका राज रहेगा उसका कल्चर भी, उसकी भाषा भी, सब चीज़ें हमें एक प्रकार से गुलाम बनाएगी। तो वो एक प्रभाव तो ये भी रहा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रियाँ रही है, और डेवलप्ड कंट्रियों की अधिकतर डेवलप्ड कंट्रियों में जो है अंग्रेज़ों का शासन रहा है, इसलिए अंग्रेज़ी वहाँ पर भी प्रचलित हो गई। जैसे कि केवल हमारा देश नहीं जो अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ है, अमेरिका भी प्योरली आज अंग्रेज़ों का नहीं है, मतलब जो अंग्रेज़ इट मीन्स जो लोग यूरोपियन कंट्री से निकले हैं, यानी जो ब्रिटेन के आसपास वाले, पर लेकिन लोगों ने बहुत सारे देशों में राज किया है, और बहुत सारे देशों में राज करने की वजह से वहाँ पर अंग्रेज़ी प्रचलन में आ गई। तो आज तो जितने भी ताकतवर देश हैं उनमें अधिकतर देशों में अंग्रेज़ी बोली जा रही है। तो ये बात तो तय है कि भाई हम अंग्रेज़ी को बिल्कुल नकार तो नहीं सकते, लेकिन एक बात ये भी तय है कि यदि हम हमारी संस्कृति ही भूल जाएं, हम अपने आप को ही भूल जाएं, हम अपनी चीज़ों की हम कदर ना करें, तो वो भी चीज़ विलुप्त हो जाएगी। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसके अनुसार 1500 भाषाएं ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब भाषा का विलुप्त होने से हमें क्या नुकसान है? भाषा यदि विलुप्त होती है तो हमें नुकसान क्या है? भाषा यदि विलुप्त होती है तो उसमें जितने भी साहित्य लिखा हुआ है, या उसमें कोई भी रिसर्च हुई है, कोई खोज हुई है, तो वो जो भी लिखी हुई है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो भाषा हमें पता हो। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी की महानता के बारे में, बात बताता हूँ। आप जैसे आप लोग जानते हैं रामचरितमानस, जानते हैं ना आप, महाभारत आपने सुना है, बहुत सारे हमारे यहाँ तो मतलब हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ रामायण की बात कर लूँ, उसमें चौपाइयाँ हैं, छंद हैं। अच्छा, चौपाइयों का अपना एक स्पेसिफिक नियम है, इतनी मात्रा में होना चाहिए, इतने वो टुकड़े में होना चाहिए, शब्द वगैरह इन सबका अपना एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, छंद भी है। दूसरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में ऐसा कोई काव्य, ऐसा कोई मतलब आपको रचना देखने को नहीं मिलेगी जो इतने सिस्टमेटिक भी हो, उसके बावजूद भी वो गाने योग्य भी हो। मतलब आप रामायण को जो है गा भी सकते हैं, है ना, और उसमें कहानी भी है, दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक है। यदि आज भी आप YouTube पे जाकर देखेंगे, YouTube की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, खासकर भारत में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल कौन सा होगा? रामायण होगा। यदि इतने लोग देख रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि वो सिर्फ कहानी नहीं हो तो फिर हमारे लिए तो एक पूजनीय विषय है। लेकिन यदि मैं सिर्फ साहित्य के आस्पेक्ट में बात करूं, साहित्य के संदर्भ में बात करूं, तो ये बात तो तय है कि इतना बड़ा साहित्य जिसमें इतना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ हो कि इतनी मात्राएं होना चाहिए, इतने चौपाई के बाद में ही इतने जो है छंद आना चाहिए, वो चौपाई में भी क्लियर है, चौपाई इट मीन्स चार, उसके अंदर चरण है, तो इतना सिस्टमेटिक वे से आपको एक चैलेंज देता हूँ।
आप किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, आप हिंदी में ही मान लो, हिंदी में आप एक कोई भी एक गीत लिखें आप, और गीत लिखें और उसमें आपको यदि हम एक मान लीजिए आपको ये चैलेंज है कि आपको बिल्कुल इस पर्टिकुलर इसमें ही लिखना है कि आपको इतनी मात्रा ही होना चाहिए, आप एक बार लिख करके देखें, बहुत मुश्किल होगा ऐसा। तो ऐसी महान रचनाएं भी हमारे हिंदी साहित्य में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो हिंदी साहित्य है वो काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने MBA किया हुआ है, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने पढ़ाई की है, और उसमें हमें सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम लेने की कला ही मैनेजमेंट है। या फिर उसमें हमें सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज या ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हमें इंग्लिश में सिखाया गया है। अल्टीमेटली इसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम जितनी भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट में, हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट इन सब का उद्देश्य है सही निर्णय लेना। क्योंकि जो भी संस्था आज, संस्था या व्यक्ति जो भी आज सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल किस लिए है? क्योंकि वो अच्छे निर्णय ले पा रहा है, क्योंकि वो अच्छे निर्णय ले पा रहा है। अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आपको कब आएगी? जब आपके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स हो, आपकी मैनेजरियल स्टडीज बेहतरीन हो। ये मैनेजमेंट की स्टडी है। अब मैं आपको जस्ट थोड़ा सा साइड में आइए, आप चाणक्य के कहे किसी, आप मतलब कुछ छोटी सी चीज भी उनके बारे में पढ़ लीजिए जो उन्होंने बताया है, या आप भगवत गीता में भी पढ़ें, हर एक एक बात में आपको निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। कैसे निर्णय लिया जाए ये देखने को आपको मिलेगा। इट मीन्स ये हुआ कि यदि आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, यदि आप चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है वो भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप डिसीजन लेना, कैसे अच्छा डिसीजन लेना वो सीख रहे हैं, और आप कोई मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाए जाने वाली कोई किताब भी पढ़ रहे हैं, तो अब भी आप क्या सीख रहे हैं कि कैसे अच्छा डिसीजन लिया जाए, कैसे अच्छा डिसीजन लिया जाए। तो हम जो है, यदि हमें हमारा मान लीजिए, अब हमें हिंदी, हम इंग्लिश के बहाने आगे बढ़ते जाएं और हमें हिंदी का ज्ञान ही नहीं हो, तो हमको पता ही चल पाएगा कि जो चीज़ें हम नए फॉर्म में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत बहुत वेल एक्सप्लेन्ड फॉर्म में हमारे पास पड़ी हुई है, पहले से ही हमारे पास विद्यमान है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम लाखों रुपये की फीस दे करके विदेश में जा रहे हैं, हमारे देश में भी लाखों रुपये लगते हैं मैनेजमेंट MBA करने के, आपको या दूसरे कोर्सेज के लिए भी काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन वही चीज़ें आपको ऑलरेडी उपलब्ध है। हम यदि स्टडी करें तो हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मेरी आशा है कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।